डॉक्टर साहब, हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है कि किसी के फादर को है या फिर उससे पहले उनके फादर को है, तो क्या आने वाली जनरेशन में भी ये डायबिटीज़ की शिकायत देखी जा सकती है या फिर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है? ऐसा ज़रूर होता है, जिनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, अगर एक पेरेंट डायबिटीज़ है तो 50% चांसेस है कि बच्चों को डायबिटीज़ हो सकती है। अगर चार बच्चे हैं तो दो को डायबिटीज़ हो सकती है, पर अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटीज़ हैं तो चांसेस है कि चारों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई लड़की है उसको डायबिटीज़ नहीं भी है, उसकी मैरिज के बाद अगर उसको प्रेगनेंसी हुई है तो प्रेगनेंसी में ये चेकअप करना बहुत ज़रूरी है कि उसको डायबिटीज़ हुई है कि नहीं हुई है, उस पर चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि उसको डायबिटीज़ नहीं है तो उसको प्रेगनेंसी में हम सोचेंगे डायबिटीज़ नहीं है और उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर आप नई प्रिकॉशन लेंगे उस वक्त तो जो बच्चा होगा उसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और इवन बेबी की डेथ भी हो सकती है विदाउट शुगर चेक किए। बहुत ज़रूरी है ये चेकअप करना। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है चेक कराना, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ चली आ रही है, डायबिटीज़ की शिकायत है, तो उनके जो जनरेशन आगे आने वाली उनको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। और जैसे कि आपने बोला कि प्रेगनेंसी में भी ये शिकायत ज़्यादा देखी जा सकती है, जो अगर लेडी है, कोई लड़की है उनकी, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे वो टेस्ट ज़रूर करवाएं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात अब करें लाइफस्टाइल के बारे में, जैसे आजकल का लाइफस्टाइल है, एक तो आपने भी कहा जैसे हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और आपने फिर स्ट्रेस और टेंशन की भी बातें की, तो क्या ये भी कोई वजह हो सकती है डायबिटीज़ होने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बच्चे जंक फूड खाते हैं और उनका वज़न बढ़ जाता है और ओबेसिटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कास है जिससे डायबिटीज़ होती है। तो ये सब खाने से, और फिर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, बड़ा आदमी होता है, आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन है काम में, फैमिली टेंशन, ये टेंशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होती है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, अपनी ध्यान नहीं पूरा रखते, प्रॉपर चेकअप नहीं कराते। वैसे हम एडवाइज़ करते हैं कि आफ्टर 40 हर एक को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और उसमें डायबिटीज़ का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड खाने से तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ओवरवेट होगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। बिल्कुल, तो अगर हम अपना पूरा ख्याल रखें, कुछ प्रिकॉशन लें, खाने पीने का ध्यान रखें, सही समय पर सोएं और एक्सरसाइज करें और टेंशन वगैरह से दूर रहें, तो डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ में और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर सही तरह से अपना ध्यान ना दिया जाए? तो क्या कोई और बॉडी के जो और पार्ट्स हैं वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और क्या कुछ और ख़तरा भी हो सकता है पेशेंट को? इसमें बॉडी के हर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बॉडी के हर हिस्से पर इसका असर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मैं आपको हार्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसकी जो जनरली जब हार्ट अटैक होता है किसी भी आदमी को तो उसको दर्द होती है। इस डायबिटीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें पेशेंट को पेन नहीं होती है, रेस्टलेस होता है, थोड़ी फीलिंग हैवीनेस होती है, पर उसको हार्ट अटैक हुआ होता है, क्योंकि इस डायबिटीज़ हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। जो भी खून का सर्कुलेशन होता है हार्ट का, जो नाड़ियाँ उसको सप्लाई कर रही होती हैं, उसमें अंदर की उसकी जो वॉल्यूम है बहुत छोटा हो जाता है, तो सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक के बहुत कॉमन, इवन अर्ली एज में भी देखे गए हैं, 30s में 40s में बहुत सीवियर हार्ट अटैक। सिमिलरली ये किडनीज़ की आर्टरीज के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, किडनीज आस्ता आस्ता फेल होने लग जाती हैं, यूरिन में एल्ब्यूमिन आने, प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है, नॉर्मली प्रोटीन यूरिन में नहीं होती है, जिस वक्त ज़रा सा भी प्रोटीन आए उसी वक्त प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और किडनीज फेल हो जाने के बाद फिर पेशेंट को डायलिसिस वगैरह कराना पड़ता है, कई बार ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है अगर यंग पेशेंट, किडनीज़ के ऊपर बहुत सीवियर इफेक्ट होता है इसका। सिमिलरली बॉडी के आर्म्स पर, लेग्स पर छोटी सी भी चोट लगने से वो हीलिंग प्रॉपर नहीं होती, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, हीलिंग ना होने की वजह से उसको गैंग्रीन हो सकता है, गैंग्रीन को कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर हिस्से को एम्पुटेशन या काटना पड़ सकता है। तो ये डायबिटीज़ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इसका कंट्रोल करना। कई बार पेशेंट सोचता है कि मुझे तो कुछ मालूम हो नहीं रहा कि मेरी शुगर ज़्यादा है या लो है, उसको नहीं मालूम पड़ता, और अगर वो उसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेगा तो वो ये सब
कॉम्प्लिकेशन लेके ही वो डॉक्टर के पास जाएगा। दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब वो पेशेंट ट्रीटमेंट करा रहा होता है उसमें भी दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कई बार मेडिसिन खा लेनी है और खाना नहीं खाया उसने, तो उसकी शुगर बहुत कम हो जाती है, और अगर बहुत कम हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, शुगर 50-60s पर आ जाती है, नॉर्मल तो 80-100 के करीब होती है नॉर्म फास्टिंग, तो जब ये 50-60 में चांसेस हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो, बेहोश हो सकता है, और अगर रात को सोए सोए हो जाए और 2-3 घंटे अगर ब्लड शुगर लो रह जाती है तो उसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो उसको रिवाइव, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने दवाई खाई है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले खाना खाओ फिर मेडिसिन खाओ, क्योंकि मेडिसिन खा ली और खाना नहीं खाया, या बाई चांस उसने खाना खाया वो वोमिट हो गया, तो मेडिसिन तो हज़म हो गई, तो उसके चांसेस है, उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि उसकी शुगर बहुत कम ना हो जाए और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेगुलर पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता, आस्ता आस्ता ब्लड शुगर बढ़ती चली जाती है, तो अगर 400, 450 तक पहुँच जाती है, तो पेशेंट को, जिसको कहते हैं हम डायबिटिक कोमा हो गया, वो बेहोश हो जाता है, उस वक्त भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख दी है तो आप खाते रहिए, तो आप सोचते हैं मैं मेडिसिन खा रहा हूँ मैं ठीक हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अदरवाइज दवाई खाते खाते भी तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कभी उसको कम करना पड़ सकता है, कभी दवाई को बढ़ाना पड़ता है, कभी कई बार पेशेंट होते हैं कि नॉर्मली उनकी जो पैनक्रिया है थोड़ा काम कर रहा होता है, तो हम टैबलेट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं, फिर आस्ते आस्ते वो काम करना बंद कर देता है, तो कई बार टैबलेट से फिर हमें इंसुलिन पर उसको शिफ्ट करना पड़ता है। पर देर आर सम पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं कि जिन जो रेगुलर मेडिसिन लें, रेगुलर अपने आप के एक्सरसाइज करें, रेगुलर अपनी बॉडी को कंट्रोल करें, तो उनकी टैबलेट भी छूट सकती है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो जो गोली वो खा रहे हैं, टैबलेट उसके दे रहे हैं, हो सकता है कि टाइम आए कि वो टैबलेट की ज़रूरत भी ना हो, और आस्ता आस्ता वो बिना डाइट के ऊपर ही कंट्रोल हो जाए, बिना मेडिसिन के भी कंट्रोल, पर इसके प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर चेकअप, रेगुलर डॉक्टर के पास जाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो एक्सरसाइज करना, ये सबसे, और उसको ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी शुगर रेगुलर चेकअप करानी है, और जिसको बिल्कुल माइल्ड डायबिटीज़ हम कहते हैं, जिसकी शुगर 140-150-160 होती है, 160, वो आस्ता आस्ता डाइट कंट्रोल करने से भी, बिना मेडिसिन से भी कंट्रोल हो जाती है, तो उसको मेडिसिन खाते ही नहीं रहना चाहिए, चेकअप कराना बहुत ज़रूरी। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आपने बताई कि अगर सही तरह से कंट्रोल ना किया जाए तो वाकई बहुत ही ज़्यादा ये ख़तरनाक हो सकता है। आपने बीच में बताया कि जैसे दवाई लेते ही खाना खा लेना चाहिए, वरना जो शुगर लेवल है वो लो हो जाती है, या फिर आपने ये भी बताया कि कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, तो भी शुगर लेवल जो है लो होने के चांसेस रहते हैं, तो इस केस में फिर क्या करना चाहिए कि जो है, जो पेशेंट है वो ठीक रहे और उसका जो लेवल है वो वापस आ जाए? इस आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है कि जब पेशेंट ने गोली खा ली है, दवाई खा ली है डायबिटीज़ के लिए, वो इसलिए खाई गई है कि जो वो खाना खाएगा उसको हज़म करने के लिए, अगर वो खाना ही नहीं खाया उसने या वोमिट हो गया उसको, तो डायबिटीज़ की टैबलेट तो वो तो अपना असर करेगी, तो वो जो नॉर्मल शुगर उसके बॉडी में है उससे कम कर देगी, उसमें उसको चांसेस हैं, अगर वो 50-40 पे आ जाती है शुगर, तो उसको बेहोश होने के, अनकॉन्शियस होने के चांसेस हैं। इसमें या तो उसको कोई शुगर घोल के खिला देनी चाहिए, या उसको किसी भी चीज़ में, चाय में, दूध में खूब सारी चीनी डाल के पिला ले, अगर बाई चांस वो भी नहीं पी सकता, तो फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसको इंट्रावीनस ग्लूकोज लगना चाहिए, नहीं तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसमें करना, नहीं तो पेशेंट विल भी वो अनकॉन्शियस, और जितनी देर वो अनकॉन्शियस रहेगा उस वक्त ब्लड की शुगर लेवल लो है और सर्कुलेशन में शुगर नहीं है, तो ब्रेन डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें शुगर को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई कि अगर शुगर लेवल नीचे हो जाए, डाउन हो जाए, तो अनकॉन्शियस होने के पूरे चांसेस होते हैं, तो उससे बचने के लिए आप चीनी का घोल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चीनी का घोल लेने की भी स्थिति में नहीं है तो फिर फौरन हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर उन्हें ग्लूकोज देते हैं ताकि जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल सही हो जाए, नहीं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि
बहुत देर तक आप अनकॉन्शियस रह जाते हैं और फिर और भी ज़्यादा ख़तरा हो सकता है जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और डायबिटीज़ से जुड़ी आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने आज डायबिटीज़ के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी। अगर आप में से कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप इन बातों को ज़रूर अमल में लाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, रेगुलर चेकअप कराएं और टेंशन से दूर रहें। तो हेल्थ प्लस में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात, करेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।